हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा ऑफिशियल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आई एक नई वीडियो के साथ और कुछ नया लेके आई हूँ। एक्चुअली बारिश के मौसम में तो और इतनी गर्मी हो रही है, मेरा कहीं बाहर जाना नहीं हो पा रहा है। सो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट और आपके लिए इंफॉर्मेटिव कुछ वीडियो लेके आती हूँ जो आपके काम आएगी और शायद सब लोग अपने घर में यूज़ भी करते हैं। तो वो मैंने सोचा कि मैं आज वो सब आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें यूज़ होती हैं हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत पर, हम उसे यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करते हैं। तो मैंने सोचा शायद ये आपके काम आएगी जो वीडियो में बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं आज आपके लिए क्या लेके आई हूँ। तो मेरे साथ बने रहेगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास तो कुकर है, ये मेरे पास हॉकिंस का कुकर है और ये मेरे पास है आपका प्रेस्टीज का कुकर है, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ और इसका कंपैरिजन करने वाले हैं कि खाना किस में जल्दी बनता है और कौन सा कुकर बेस्ट है। मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ कि आप कौन सा कुकर लें, मैं आपको ये बताऊँगी कौन सा कुकर अच्छा है, ये मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये मेरा प्रेस्टीज का कुकर हो गया, ये मेरा हॉकिंस का कुकर हो गया। और ये कुकर मतलब थोड़ा इससे कॉस्टली है और इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें सीटी नहीं आती है। और अगर सीटी नहीं आती, आप सोच रहे होंगे कि इसमें सीटी नहीं आती है तो मैं इसमें खाना कैसे बनाती होंगी। तो यही तो मुझे आपको बताना है कि जब मैं इसमें खाना कैसे बनाती हूँ अगर सीटी भी नहीं आती। तो कुछ इसमें सेफ्टी रखनी होती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये कुकर थोड़ा महंगा भी है और खाना भी इसमें जल्दी बन जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ कि खाना इसमें जल्दी बनता है, इसमें जल्दी बनता है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे साथ बने रहेगा ताकि आप ये सारी चीज़ें देख पाएँ और समझ पाएँ कि इस कुकर को यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करना चाहिए और क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कुकर तो नॉर्मल कुकर की तरह ही है वैसे ही, क्योंकि इसकी सीटी ऐसे नहीं है, इसमें सीटी आती है प्रॉपर। इसमें ऐसे आपको कोई, जैसे आपका आपके घर में एल्युमिनियम के कुकर होंगे जो पहले आते हैं जिनकी सीटियाँ वैसे होती है, इसमें ऐसा कोई इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली सीटी है। बस थोड़ा ये इन बातों का तो ध्यान सभी में रखा जाता है कि कुछ फस फस ना जाए। बाकी सीटी आती है इसमें, इसकी आवाज़ आती है सीटी की, बट इस सीटी की आवाज़ नहीं आती है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि इस सीटी, इसमें सीटी कैसे बनती है या इसमें कैसे पता चलता है कि खाना बन गया, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो और इसलिए मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि हम ये कुकर यूज़ कर रहे हैं तो हमें कौन 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 सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोनों ही इंडक्शन बेस्ड कुकर हैं, आप इंडक्शन पे यूज़ कर सकते हो कुकर को। और मैं दिखाने वाली हूँ कि इनके साथ क्या क्या आया, पहले दिखा देती हूँ। तो ये कुकर के साथ, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये कुकर है, ये कुकर देखिए। और इसके साथ ये बुक्स है, ये जो बुक दी हुई है तो इस बुक में दिया हुआ है कि आप कुकर को कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक दो रेसिपी वगैरह दी हुई हैं, ठीक है। और इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखिए, सेफ्टी की आपको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए वो सब इसमें दिया हुआ है कि आपका 3 लीटर का कुकर है तो आप इसमें किस तरह खाना बनाएं। और आपको ज़्यादा भर के खाना नहीं बन, मतलब पूरा भर दिया तो वो ये कि आपको फटने का डर रह सकता है, हर कुकर में ऐसा ही होता है, आप ज़्यादा भर के बनाएंगे और इन कुकर में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा भर के ना बनाएं वरना कुकर फटने का डर रहता है। तो सेम इसी कुकर में भी ऐसी है, आप भर के बनाएंगे तो कुकर फटने का डर रहता है। तो अभी कुकरों के इसके साथ ऐसा बस ये नॉर्मल यही कुकर में यही आया और मैंने अभी कुकर यूज़ नहीं करा है, ये मुझे मेरी और ना ही मेरे पास इसका बिल है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये कुकर गिफ्ट दिया था मेरे भाई की शादी में। और तो बस ये इसके साथ यही है और बाकी ये कुकर भी अच्छा है बट मैंने यूज़ नहीं किया अभी, लेकिन मैंने ऐसा कुकर पहले यूज़ कर चुकी हूँ तो ये अच्छा है कुकर, ठीक है। तो सेम ऐसी क्वालिटी का मैं कुकर पहले यूज़ कर चुकी हूँ, वो कुकर मेरे पास अब है नहीं बट मैंने यूज़ करके छोड़ दिया वो कुकर, सेम ऐसे ही था वो भी। तो क्योंकि मेरे पास अभी मैं यूज़ कर रही हूँ 3 महीने से, तो मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ क्योंकि ये इससे थोड़ा डिफरेंस है और आज हम कंपेरिज़न करने वाले हैं दोनों कुकर का, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस कुकर में क्या हमको सेफ्टी रखनी चाहिए और कैसे हमें इसे यूज़ करना चाहिए वो भी मैं सब आपको बताती हूँ। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और इसके साथ क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके साथ ये स्टैंड है कि अगर आप खाना आपने बना लिया और आपको गैस पे से उतार के रखना है तो आप इस स्टैंड पे से
रख सकते हो, इसके साथ ऐसा कोई स्टैंड नहीं है बट इसके साथ स्टैंड है, ठीक है। और इसके साथ ये बुक है, इस बुक में भी यही सारे जो कि आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए वो सब लिखा हुआ है। और इसमें आपका नंबर भी लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ ये कुकर अवेलेबल है, उन सब का नंबर है, सारी शॉप का नंबर दिया हुआ है, लोकेशंस का नंबर दिया हुआ है। तो जिस लोकेशन पे ये अवेलेबल है उन लोकेशंस के शॉप का इसमें नंबर दिया हुआ है। तो कस्टमर केयर का नंबर भी लिखा हुआ है, उनके लैंडलाइन नंबर भी दिया हुआ है इसमें विद कोड के साथ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस कुकर लेने के बाद में, कि क्योंकि 5 साल की वारंटी, अगर आपके कुकर में कोई भी ख़राबी होती है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं 5 साल तक। लेकिन कुकर में ख़राबी कैसे, मतलब कि अंदर से कुछ ख़राब हो गया हो, कहने का मतलब अगर आपका ढक्कन या कुछ ऐसे चीज़ ख़राब हो जाए तो उसकी कोई वारंटी नहीं है। और इसमें ये भी दिया गया है कि आप कुकर का ढक्कन कैसे लगाएँ कैसे नहीं लगाएँ, ये सब देखो इसमें दिया गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सब दिया गया है ना इसमें, ये देखो सारी रेसिपी और ये सब इसके अंदर है। आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास ये कुकर है या आप लेना चाह रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि आप पहले पढ़ के उसे यूज़ किया, क्योंकि मैंने ये गलती कर दी है। जो गलती मैंने कर दी है वो आप ना करें। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जो कुकर में क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैं आपको वो बताने वाली हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है वो आपके साथ ना हो। आप अपनी कुकर का ध्यान रखें जब भी आप इसे यूज़ करें, क्योंकि कुकर महंगा है, इसके अनुसार ही कुकर महंगा है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी जो चीज़ों का, मतलब अपने कुकर का ध्यान रखें कि यूज़ करें, क्योंकि कुकर अगर आपका अगर फट जाएगा या आपका ढक्कन फट जाएगा तो प्रॉब्लम आप ही को होगी। इसलिए मैं आपको इसलिए बताने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, तो इसलिए। और आपको भी और क्या दिखाती हूँ कि इसके साथ और क्या है। बाकी एक और बुक्स है कि इसमें दिया गया है कि किस किस लोकेशन पे अवेलेबल है, इसमें भी वही सब दिया गया है, ऐसे मैप भी बना हुआ है, कोड भी दिए गए हैं, सारे नंबर भी दिया गया है कहाँ कहाँ पे है, सारे कस्टमर केयर नंबर भी इसके अंदर हैं, हॉकिंस। तो हम देखते हैं और क्या है इसमें। इसके अंदर ये ब्रश है, ठीक है। और इस ये ब्रश मतलब दो साइड्स है, एक तो ये लंबे वाला है सीधे इसमें बाल दिए होते हैं, एक ऐसे गोल वाला जो, ठीक है, जिसमें आप घुमा के निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसको ये हमें इसलिए दिया गया ताकि जो इसमें कुछ फंस जाए तो हम ऐसे इसको थोड़ा ऐसे करके निकाल लेते हैं, मुझे फंस जाए तो हम कोई भी, अगर हमने खाना बनाया और आपका कोई भी दाल वगैरह है, कोई भी सब्ज़ी वगैरह, मोस्टली दाल इसमें वो ज़्यादा कभी कभी अटक जाती है, या टमाटर की चीज़ इसमें अटक जाती है, तो हम ऐसे इसमें थोड़ा सा घुमा के ही निकाल सकते हैं। और सीटी को भी निकाल के हम ऐसे घुमा के और इसमें ऐसे करके कोई भी खाना यहाँ पे चला जाए तो हम उसे घुमा के यहाँ से निकाल देते हैं। और ये जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे यहाँ पे साइडों में जम जाता है तो उसे घुमा के थोड़ा सा पानी से धो के आपका निकल जाएगा अच्छे से। तो इसमें ये चीज़ें दी गई है, इस कुकर में इतना सब दिया गया और इसके मुताबिक ये महंगा भी है, ठीक है। और इसमें खाना भी जल्दी बन जाता है, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ और मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ कि इसमें खाना जल्दी बनता नहीं। आप सोचोगे हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं जल्दी बनता नहीं बनता, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि जल्दी बन जाता है। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि इसमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे साथ जो हो गया, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी बाज़ार वाली, कि जिन भाई के पास मैं गई थी तो उन्होंने मुझे क्या बताया था। कभी मैं आपको पहले मैं भी आपको बता देती हूँ। वारंटी कार्ड है और इस कार्ड पे लिखा हुआ भी है कि आपका कुकर कब आपका एक्सचेंज हो सकता है, कि इसकी नियम और शर्तें भी हैं इसके अंदर लिखी हुई। तो मैं आपको बताती हूँ, पढ़ के, प्रेशर कुकर पर उपभोक्ता द्वारा पहली खरीद की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए सामग्री की कारीगरी में दोष ना होने की गारंटी है। इस्तेमाल से हुई समस्या, घिसाई या टूट फूट के कोई दोष नहीं है। वे पुर्जे जो आमतौर पर बदले जाते हैं, जैसे कि सेफ्टी बॉल, गास्टिक एंड प्लास्टिक के हैंडल, इस गारंटी में शामिल नहीं है। शिकायत वाले पूरे कुकर को उपभोक्ता के खर्च पर हमें या हमारे अतिरिक्त सेवा केंद्रों के पास लौटाया जाना चाहिए। और यह गारंटी कार्ड कुकर के साथ दी गई पाठ पुस्तिका में छपे निर्देशों के अनुसार कुकर का उचित इस्तेमाल होना चाहिए। हमेशा हमारे बनाए असली पुर्जे ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी मरम्मत के कारण कुकर खराब या कमज़ोर नहीं हुआ होना चाहिए। ऊपर दिए नियम और शर्तों के अंतर्गत अपने निर्णय के अनुसार हम मरम्मत करेंगे या किसी भी खराब पुर्जों या पूरे कुकर को मुफ्त बदलेंगे। तो
इसमें ये सब लिखा है कि अगर अगर आपका कुकर में टूट फूट हुई हो तो कुकर नहीं बदला जाएगा। कुकर तभी बदला जाएगा जब इसमें अंदर से कोई प्रॉब्लम हो, कि अगर आपने किसी को नहीं दिखाया और इसके जो भी आपके पुर्जे हैं वो आपके इसी की जो हॉकिंस के होते हैं वही यूज़ करने पड़ेंगे, असली यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हैं कि हमारा ये ख़राब हो गया ये लगा दो, उसने किसी और कुकर का लगा दिया तो भी अगर आपका कुकर वैसे नॉर्मली ख़राब हो जाता है तो भी आपका कुकर नहीं बदला जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, और कुकर में अगर अंदर से कोई परेशानी हो तो आपका कुकर ज़रूर बदला जाएगा। 5 साल की वारंटी है, तो आप अपना कार्ड लेके जाएं, अपना बिल लेके जाएं जहाँ से आपने ख़रीदा है, तो आपका कुकर ज़रूर बदला जाएगा। ठीक है, तो एक कुकर में ये डिफरेंस है। और अगर इसमें खास बात क्या है कि अगर इसमें सीटी नहीं आती, तो वही तो मैंने आपको बताया ना कि अगर इसमें सीटी नहीं आती तो खाना कैसे बनाया जाएगा, तो वो और इसमें कितनी देर में खाना बन जाता है वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए गैस के पास। तो अभी एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको कि देखिए ये इसका सेफ्टी वॉल है। तो ये सेफ्टी वॉल जो है इसका, ये देखिए सेफ्टी वॉल दिख रहा है आपको। तो ये सेफ्टी वॉल एक्चुअली मेरा जो मेरे शायद इस कुकर में कुछ फंस गया था, और कुछ फंसने की वजह से इसका सेफ्टी वॉल फट गया था ये। और ये जो सेफ्टी वॉल है 35-40 रुपये का आता है, 40 रुपये का आया था। तो ये देखो पुराना सेफ्टी वॉल है, तो ये इसका ही निकल गया था। ये बीच का जो आपको दिख रहा है, ये बीच का हिस्सा, ये पेच निकल गया था इसमें से। तो ये सेफ्टी वॉल होता है, तो इसकी वजह से अगर ये आपका कुछ इसमें फंस गया और ये आपका सेफ्टी वॉल फट गया, मतलब ये निकल गया, सेफ्टी वॉल फट गया, तो आपका कुकर सेफ है। ठीक है, आपको सिर्फ सेफ्टी वॉल निकालना। अगर बाई चांस आपका कुछ फंस गया तो आपका ढक्कन भी फट सकता है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं अब इसको वीडियो भी दिखाऊंगी, भैया ने मुझे करके बताया था, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। ये तो महंगा नहीं आता, लेकिन आपके कुकर का ढक्कन ज़रूर महंगा आता है। सेफ्टी वॉल नया लगा रहे हैं पतला है। तो मतलब ये अगर इसका मतलब इसमें कुछ फट जाए तो ये वाला ये फट जाता है। अरे ये फट जाता है, ये तो कुकर फट जाएगा वरना ये नहीं फटेगा। ये नहीं फट, अच्छा अगर ये नहीं निकलेगा तो ये कुकर फट जाएगा। ये पतला झिल्ली है, इसके अंदर ये खाली है ना हिस्सा, ये बिल्कुल पतली झिल्ली होती है, छोटा छोटा वाला। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा कि अगर आपके कुकर में कुछ फंस जाता है तो आप हमेशा जब धोते वक्त इन चीज़ को ध्यान रखें, और हमेशा खाने बनाने के बाद तुरंत आप कुकर धो दें ताकि आपके कुकर में कुछ ना जम पाए। तो जम जाता है तो निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कुकर में, और इस वजह से। तो अगर आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें अपना कि सेफ्टी वॉल का, क्योंकि मेरे कुकर फटने से बच चुका है एक बार, तो इसलिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई थी ताकि मैं आपको बता सकूँ इस कुकर को कैसे यूज़ करें। आपको और लोगों ने भी बताया होगा बट, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपको बता सकूँ कि इस कुकर को यूज़ कैसे करें। अब चलो हम चलते हैं गैस के पास और देखते हैं कि किस कुकर में सबसे जल्दी पकता है खाना। ठीक है, चलिए। ये मैंने कुकर में पानी रख दिया और पानी के साथ आलू धो के रख दिए हैं, और इसमें भी मैंने पानी भर के रख दिया और आलू धो के रख दिए। 3-3 आलू मैंने दोनों में रखे हैं। एक्चुअली मेरी छोटी सी फैमिली है तो मैं इतने ज़्यादा आलू करूँगी क्या, तो सिर्फ आप मैं आपको बता रही हूँ कि किस में जल्दी आलू आपका पक जाएंगे कि बेक हो जाएंगे। ठीक है, तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग रखना, कि आलू जितने हैं उसके अकॉर्डिंग पानी रखना, ज़्यादा भी मत रख देना। तो बस मैंने अपने आलू के अकॉर्डिंग ही वाटर रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। तो हम कुकर का ढक्कन बंद करते हैं। थोड़ा इसका रबड़ का भी ध्यान रखिए कि सही से लगी हुई है कि नहीं, सही से बंद करिएगा कुकर। मैंने कर दिया, मैं गैस ऑन कर रही हूँ। सब हम वेट करते हैं कि कितनी देर में बन जाएगा, मतलब कितनी देर में ये आलू बॉयल होंगे और कितनी देर में सीटी आती है, तो मैं दिखाती हूँ। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं कितनी देर में सीटी आती है। जैसे सीटी आएगी कुकर में, वैसे मैं आपको बताती रहूँ। कुकर में आपका गैस बनने लग गई है, और इसकी आवाज़ ज़्यादा तेज तो नहीं है, पर देखो पता चल रहा है ना, देखो ऐसे करेंगे पता चल जाए कि आप इतनी तेज़ आवाज़ सुनी कि आपके कमरे तक पहुंच जाए, बट लेकिन हाँ इसी से गैस बंद है तो पता चल जाता है। और देखो कुकर का ढक्कन नहीं खुलेगा, तो यानी कि इसकी गैस बननी शुरू हो गई है। देखो गैस बननी शुरू हो गई, तो हम गैस को कम कर देते हैं, ज़्यादा तेज़ आँच पर लगाएंगे तो पानी भी नहीं बचेगा। तो इसमें इस कुकर में भी सीटी आई ही नहीं है, और इस कुकर में सीटी आ चुकी है। इस कुकर में भी सीटी आ चुकी है, कम कर देते हैं। तो पहले इसमें आई थी, फिर बाद में इसमें आई है, कम से कम थोड़ी देर 5 मिनट बाद इसमें आई है सीटी।
ठीक है, हम दोनों को कम कर दिया। आप देखते हैं कितनी देर में हम मीडियम दो दो तीन सीटी में आपको आलू बन जाते हैं। तो देखते हैं, पहले अभी बनते हैं, फिर हमने कम कर दिए दोनों गैस को, कम फ्लेम पे कर दिए। वेट करते हैं आपका आलू बॉयल होने के लिए। जैसे बॉयल होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि किसमें जल्दी बॉयल हुए हैं। तो देखिए, जिसके कुकर है गरम हो रहे हैं आलू। गैस निकल चुकी थी इसलिए मैंने खोला, क्योंकि मैंने गैस निकाली नहीं, मैंने वेट किया था गैस अपने आप निकल जाए। तो तेज गरम है ये, देखो इसमें आलू फट भी गया। मैंने दो सीटी ही दी थी लेकिन इसमें आलू फट भी गया। अब हम इसमें प्रेस्टीज के कुकर का देखते हैं कि इसका क्या हाल है। इसके आलू कैसे हो, प्रेस्टीज के कुकर के आलू निकालते हैं हम लोग। इसका कुकर देखते हैं आलू, अब इसमें गरम बहुत हो रहे हैं। दोनों ही अच्छे से पक चुके हैं आलू। ये देखिए, दोनों ही आलू पक चुके हैं, बट ये ज़्यादा पक गया है क्योंकि मैंने इसमें दो सीटी दे दी थी और इसमें मैंने दो सीटी दी हैं, बट इसमें जितने पकनी चाहिए उसमें उतने पके हैं, उसमें मतलब फटे नहीं। तो इसका मतलब कि इसमें जल्दी बन जाता है और इसमें जो टाइम आपका नॉर्मल कुकर लेता है उतने ही कुकर में इसमें बनते हैं और इसमें थोड़ा जल्दी पक जाता है। इसमें ज़्यादा पक हो गया ये, क्योंकि मैंने इसमें मतलब मुझे कम सीटी देनी है, इस सारे फ्यूचर कुकर में कम सीटी देनी है और इसमें मतलब मुझे जो नॉर्मल सीटी में देते हैं आप उतनी सीटी में बना सकते हैं। तो बस इतना फ़र्क है इस कुकर में और इस कुकर में, और बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कुकर का, बाकी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस इतना सा ध्यान रखें इस कुकर का, फ्यूचर के कुकर का, कि इसमें आप जल्दी खाना बनते हैं तो सीटी कम दीजिएगा अकॉर्डिंग टू कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें इतना ध्यान रखें, क्योंकि उसमें जल्दी मैंने दोनों को सेम दिया है, दोनों सेम ही टाइम, तो इसलिए उसमें जितना होना चाहिए उतना भी एक हुआ है, फटा नहीं आलू। और इसमें आलू मेरा फट चुके हैं कि मैंने इसमें इसके लिए दो तीन सीटी भी मतलब ज़्यादा है, ठीक है, अपने आलू के लिए। तो डिपेंड ऑफ आपके कितनी क्वांटिटी में रख रहे हैं, और ज़्यादा देर तक इसमें मत रखिएगा मैंने आपके, और आपका पानी अगर इसमें सोख लिया तो ये आपका ये भी फट सकता है, ठीक है, ये फट सकता है आपका, सेफ्टी वॉल। तो आप अपने कुकर का ध्यान से रखिएगा, और अगर आप ये कुकर ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, तो आप ये कुकर ले सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छे से रखिए कुकर को। तो वेस दोनों ही इंडक्शन वेस है, तो आप दोनों कुकर में से कोई भी कुकर ले सकते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें खाना जल्दी बन जाता है और मेरी गैस भी, आपकी गैस भी कम खर्च होगी, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीदेगा, ये नहीं कि मैंने आपको कह दिया आप वही लें, तो डिपेंड ऑफ यू कि आपको जो अच्छा लगे वो खरीदे। तो मैंने आपको बताया कि सीटी नहीं बजती, तो बस आप सीटी का भी ध्यान रखें कि आप बैठे हैं कमरे में और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपके कूलर चल रहा है और आपको आवाज़ नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको प्रेस्टीज के कुकर में, इस कुकर में ज़रूर सुनाई देगी सीटी की, लेकिन आपको इसमें फ्यूचर के कुकर में सीटी का नहीं आवाज़ आएगी। हाँ, अगर आपके नॉर्मली जहाँ पे आपका बन रहा है वहीं से थोड़ा सा दूरी बैठे हैं तो आपको सुनाई दे जाएगा, बट आप बिल्कुल ही कि आप अपने रूम में जाके बैठ गए और कुकर की आवाज़, और आपका रूम भी दूर है, आप कुकर की आवाज़ आपको नहीं, सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। बट हाँ, प्रेशर बनता है, ढक्कन बंद हो जाता है और इसकी आवाज़, जैसे आप इसे दबाएंगे तो शू 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 की आवाज़ भी आएगी, मैंने आपको दिखाया था अभी। तो बस इतना आपको ध्यान रखिएगा। और आपको ये कुकर दोनों ऑनलाइन में मिल जाएंगे, बट मेरे ऑफलाइन के लिए हुए हैं, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप ऑनलाइन मंगाओ या ऑफलाइन मंगाओ। मैंने तो आपका ऑफलाइन मंगाए हुए हैं दुकान से। तो बस मैं ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।